से सिद्धि। डॉक्टर अवधेश शर्मा, डॉक्टर मनवीर भाटिया, ईरा त्रिवेदी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनवीर भाटिया, एक न्यूरोलॉजिस्ट और स्लीप स्पेशलिस्ट, दिल्ली से बोल रही हूँ। आज के योगा दिवस में मैं डिस्कस करूंगी नींद के बारे में। तो सभी लोगों को नींद तो आती है और हम अपनी जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा नींद में बिताते हैं। तो ये नींद का कोई तो फंक्शन होगा, कोई तो मेन इशू होगी कि हमें ये नींद की जरूरत क्यों है। तो कुछ लोग जरूर समझते हैं कि नींद खाली एक वेस्ट ऑफ टाइम है और इसका कोई फायदा नहीं है। तो हम आज फंक्शंस के बारे में या नींद के प्रभाव के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस फोरम में, बट सिर्फ मैं आपको ये बताना चाह रही हूं कि अगर आप ही सोचें खुद कि जिस दिन हमारी नींद ठीक नहीं होती है या कुछ दिनों के लिए ठीक नहीं होती है, तो आप कैसा महसूस करते हैं? सुबह उठने पर फ्रेश महसूस करते हैं या थके में रहते हैं? बदन में दर्द रहती है, शरीर में दर्द, गुस्सा, चिड़चिड़ाहट? कुछ लोगों का मन करता है कि मैं बहुत खाऊं, कुछ लोगों का मन करता है कि मुझे भूख मर गई। तो कहने का मतलब ये है कि अगर नींद सही नहीं होती तो हमारे हर एक अंग अंग पे इसका प्रभाव पड़ता है। हमारी मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, सब चीजों पे इसका प्रभाव पड़ता है। तो आजकल के टाइम में, खासकर जो हम गुजर रहे हैं इस कोरोना के समय में, तो नींद पे भी एक बहुत प्रभाव पड़ा है। मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ कि मेरी ही एक्सपीरियंस में इन लास्ट एक दो महीनों में करीबन 125-150 मरीज जो हमने देखा है, बहुत लोगों को नींद की समस्या बढ़ गई है। क्या समस्याएं आ रही हैं? नींद आती नहीं है, आती है तो टूटती बहुत है, बहुत डरावने सपने हैं, दिन में बहुत थकावट, सुस्ती, किसी चीज में मन नहीं लगना। तो ये क्यों हो गया ऐसा? एक तो बहुत फिकर, सबसे बड़ी चीज है वरी, एंजाइटी, क्या होगा, अनसर्टेनिटी। इसने बहुत हमारे अंदर शरीर में कुछ केमिकल्स निकलते हैं जो हमारी हार्ट रेट को तेज कर देते हैं, सोचने की शक्ति को बिल्कुल क्लियर नहीं रखते हैं, और वही चीज नींद को उड़ा देती है। दूसरी चीज है कि हमारी कोई रूटीन नहीं रह गई है। हमारा सोना, खाना, एक्सरसाइज के टाइमिंग सब बिगड़ गए हैं। कुछ लोग दिन में बहुत ज्यादा चाय कॉफी का इंटेक बढ़ गया है, शाम को अल्कोहल वगैरह का भी इंटेक बढ़ गया है। तो ये सब चीजों को मिला के आजकल के टाइम में नींद पर्टिकुलरली एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, क्या चीजें हैं जो हम खुद कर सकते हैं ताकि हम अपनी नींद को सुधार दें? सिंपल सी चीजें हैं जो आमतौर सब लोगों को पता ही है, बट उनको इकट्ठा एक मान के चला जाता है, स्लीप हाइजीन। जैसे हम आजकल बहुत एम्फेसिस दे रहे हैं अपने हाथ धोना और सफाई रखना, ऐसे ही एक शब्द या माना गया है जो स्लीप हाइजीन, मतलब नींद के लिए हमको क्या चीजें करनी है ताकि हमारी रात भी ठीक बीते और दिन भी ठीक बीते। तो सबसे पहली बात है कुछ अपनी रूटीन बनाना। तो इस रूटीन पे क्यों इतना फोकस किया जाता है और क्यों हम बोलते हैं? हमारी शरीर के अंदर एक मास्टर क्लॉक है जो ब्रेन में है, और छोटी छोटी क्लॉक सारे अंगों में है। तो ये मास्टर क्लॉक हमारी दिन और रात को कंट्रोल करता है, और जो भी हम दिन में करते हैं हम खुद ही अपनी क्लॉक को सेट करते हैं। तो अगर हम रूटीन बना के रखेंगे कि हमारा सोने का समय, उठने का समय, खाना खाने का समय सब फिक्स्ड रहेगा, तो ये क्लॉक बहुत अच्छी तरह चलेगी। और जितनी ये क्लॉक अच्छी तरह चलेगी, हमारी पूरी स्वास्थ्य या सेहत बहुत अच्छा मेंटेन होगा। इसके साथ ही है रूटीन फिजिकल एक्टिविटी की, बहुत जरूरी है, खासकर आजकल के टाइम में कुछ एक्सरसाइज में टाइम बिताना। तो शरीर को थकाना बहुत जरूरी है, शरीर फिजिकल एक्टिविटी से हमारी नींद की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। सेकेंड मेजर थिंग इज रिलैक्सेशन।
तो कुछ भी ऐसी चीज जिसके आपका मन रिलैक्स करे, मेडिटेशन कर लीजिए, योगा कर लीजिए, प्राणायाम कर लीजिए। इससे प्राणायाम से बहुत रिसर्च ने बताया है कि जो हमारी मन और जो चलना और सारा टाइम सोचने की गति बहुत फास्ट हो जाती है उसको वो रोक देता है, और उसी के साथ ब्रीदिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर सब कुछ नीचे आ जाता है। तो इट इज़ अ वेरी कामिंग इन्फ्लुएंस ऑन द बॉडी एंड द ब्रेन। कुछ हॉबीज में टाइम्स बिता सकते हैं आप अगर आपको रिलैक्सेशन करनी है, और अपने सोशल डिस्टेंसिंग जरूर बोला गया है पर आइसोलेशन नहीं है, लोगों को अकेलापन जो बहुत महसूस होता है उसके लिए अपना कुछ कोई फ्रेंड्स जो आपके बहुत क्लोज हो, कोई फैमिली, उनसे साथ टाइम बिताइए। नहीं मिल पा रहे तो फोन पे बात करिए ताकि आपका मन हल्का हो जाए। तो ये तो है चीजें जो हमको करनी है, तो ऐसी क्या चीज है जो हमको नहीं करनी? कॉफी, बहुत सारी चाय, अल्कोहल का प्लीज कम से कम रखिए, और ताकि हमारे को जो हमारी नींद को ये चीजें तोड़ देती हैं उनको नहीं करना है। बहुत सारा टाइम फिक्र में नहीं गुजारना है, बहुत सारा टाइम स्क्रीन्स और न्यूज और सोशल मीडिया वगैरह पे एंगेज नहीं करना है। ये सारी चीजें नेचुरल स्लीप को बहुत खराब कर देती हैं। तो अच्छी नींद का उपाय आप ही के हाथ में है, और हम सब अपने आप से बहुत कोशिश कर सकते हैं कि ये ठीक रहे। पर अगर लगे कि मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ और नींद एक बहुत समस्या बन गई है जो मेरे दिन पे प्रभाव कर रही है, प्लीज इसके लिए जरूर एक हेल्प ली जाए। तो आई होप एंड में, अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि नींद एक स्तंभ है, जैसे पोषण है, जैसे व्यायाम है। अगर हम जिंदगी को तीन स्टूल माना जाए, जिसके मेन थ्री लेग्स हैं या थ्री पिलर्स हैं या थ्री स्तंभ बोल हैं, तो उसमें से नींद भी एक बहुत बड़ी चीज है। अपनी मन को स्ट्रांग रखने के लिए, स्वास्थ्य रखने के लिए, शरीर के लिए नींद का, अच्छी नींद का होना बहुत जरूरी है। नमस्कार, और आप सब लोगों को जैसे कि सब चीजों में खुशहाली मिले, कोशिश करिए कि अपनी नींद के ऊपर भी ध्यान दें और वेस्ट ऑफ टाइम नहीं माना जाए।